ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं, आज मैं आपको बता दूं कि 42 दिन से लगातार जो है वो यहीं पर बैठे हैं। इससे पहले जो है आपने देखा कि बिल्कुल साइलेंटली जो है वहां पर जीवल चौक से चलते हुए जो है डोगरा चौक की बात करें, जीवल चौक की बात करें, वहां पर इन्होंने जो है वो जम्मू की सड़कों पर जो है अपनी बात पहुंचाने का जो है एक बहुत अच्छा कार्य जो है किया है। लेकिन उसके बाद वो आज यहाँ पर जो है आकर बैठे, और वो मैं आपको तस्वीरें भी बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर कि देखिए वी वांट ट्रांसफर टू होम डिस्ट्रिक्ट, देखिए यहाँ पर जो है अपने घर पर जो है ट्रांसफर चाहते हैं, और एक अनोखा प्रदर्शन मैं कहूंगी कि बिल्कुल चुप्पी से जो है यहाँ पर बैठे हैं, अधिकार है जो इनका ये वही मांग रहे हैं, कुछ स्पेशली जो है वो नहीं मांग रहे। वहीं पर रजनी बालाजी की तस्वीर जो है वो स्टार्टिंग से ही इन्होंने अपने साथ रखी है, और कहीं ना कहीं उनको भी इंसाफ दिलाना है, और जो अपने साथी हैं उनको बचाने के लिए जो है यहाँ पर बैठे हैं, और ये जो है कश्मीर वापस नहीं जाना चाहते, ये सिर्फ जो है वही बोलना चाहते हैं। तो हमारे साथ ये सर, सर आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम रोमेश चंद है। इतनी गर्मी में 42 डेज एक बहुत बड़ा मैं कहूँ एक दिन हो गए, ज्यादा दिन हो गए, लेकिन आपके पास कोई आया सरकार की तरफ से? हाँ, हमारे पास शुरुआत हमारी डीसी एडीसी जम्मू से हुई थी, उसके बाद हम डीकॉम साहब से जम्मू से दो बार मिल चुके हैं, और इसके साथ साथ हम गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी मिल चुके हैं, और जो हमने अपने जो चार्टर डिमांड का हमारा जो मेमोरेंडम था उसके ऊपर हमारी बहुत गहरी डिस्कशन हुई है, और बड़े अच्छे वातावरण में अच्छे माहौल में हुई है, और जो हमारी मेन डिमांड थी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, और जहाँ दूसरी जो डिमांड थी उसके ऊपर गवर्नर साहब ने हमें अश्योर किया है। अब वक्त आ गया है कि जो गवर्नर साहब जी ने हमें अश्योर किया है उस बात को हमें रिटर्न में दें, एक पॉलिसी बना के दें, तो हम तब तक वेट कर रहे हैं। ये हजारों की तादाद में जो मुलाजिम हैं, ये खाली कश्मीर डिवीजन के नहीं है, ये जम्मू डिवीजन के भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें मुलाजिम है, हर गांव का। सर मैं इसे समझना चाहूंगी, जो ये प्ले कार्ड्स हैं अनंतनाग, बांडीपुरा, बड़गाम, इनके बारे में मैम, हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट जो ड्यूटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का मुलाजिम इसके अंदर है, जो इस ट्रांसफर पॉलिसी को चाहता है, और इस ट्रांसफर पॉलिसी को हमारे गवर्नर साहब जी ने अश्योर किया है। अब हम वेट कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कब वो हमें रिटर्न में आर्डर देते हैं। सर लेकिन जिस तरह से 42 डेज हो चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आखिरी कब तारीख थी जब उन्होंने आपको अश्योर किया था, और तब से कितने दिन हो चुके हैं, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है, वो रोज आपको यहीं पर देखती है, आने जाने वाले लोग, सोशल मीडिया वाले लोग, लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते तो कैसी जबरदस्ती है, क्यों भेजना है आपको, और कितने दिन हो चुके हैं लास्ट बात? 27 को हमारी लास्ट मंथ 27 को हमारी गवर्नर साहब जी से मीटिंग हुई थी, तो बड़े अच्छे माहौल में हुई थी, और अश्योर भी किया है हमने, पक्का उन्हें छो समझ के अश्योर किया हुआ है हमें, तो हम वेट कर रहे हैं कब वो हमें वो रिटर्न फॉर्म में नोटिफिकेशन निकालते हैं ट्रांसफर पॉलिसी का। तो सर अब मैं आपसे आपका नाम जनरल सिंह। जनरल जी आप मुझे बता दीजिए कि बहुत एक लंबा अरसा हो चुका है, आपके साथ बहुत सी महिलाएं भी हैं, और महिलाओं से घर मतलब जिस तरह से वो रोज बाहर आती है उनके लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण काम है, फिर भी वो यहाँ पर बैठी हुई है, तो क्या मतलब अब आपकी बात कहाँ तक पहुंची है? जी मैम, बात तो जिस तरह से अभी हमारे रमेश सर ने कहा कि 27 तारीख को एलजी साहब से हमारा डेलीगेशन जाके मिला था और बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने अश्योर भी किया है हमारी डिमांड्स के ऊपर कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन डिमांड्स को जो फुलफिल किया जाएगा, पर सोचने वाली बात यह है कि उसके बाद भी काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी तक जो जो एश्योरेंस दिया गया था उसको रिटर्न फॉर्म में अभी लोगों के सामने नहीं लाया गया है। सिर्फ आपको वर्बली बोला गया? जी, अश्योर किया उन्होंने, कहा कि जेन्युइन डिमांड्स को माना जाएगा, लेकिन बात यह भी है मैम कि ऐसी बात है कि यात्रा का भी टाइम चल रहा है, तो उसमें भी वो बिजी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमारी तो डिमांड यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी जितने भी लोग यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये यही वेट कर रहे हैं कि कितने जल्दी जो उस एश्योरेंस को रिटर्न फॉर्म में यहाँ लाया जाता है और हम लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जाता है। सर जिस तरह से मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, जिस तरह से आपको एश्योर किया गया है, क्या आप उस एश्योरेंस से सेटिस्फाइड हैं? मैम ऐसे बर्बर इंश्योरेंस हमें पिछली सरकारों ने भी दी है, क्योंकि ये हमारा सर्विस मैटर है, सर्विस मैटर के लिए हमने पहले भी ये कराई कर रहे थे कि हमारी सर्विस मैटर को सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है तो इसमें ट्रांसफर पॉलिसी भी होनी चाहिए, वो उस पॉलिसी में एक कमी है, हम उस कमी को दूर करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है, लेकिन अब वो हमें रिटर्न में देने में थोड़ा उनको टाइम लग रहा है, हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कानून होता है, तो उसको हम कानून रिटर्न में, मतलब जब तक आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा आप नहीं उठेंगे, जब तक रिटर्न में हमें नहीं मिलता है और उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, जहां तक कि हमारा फर्स्ट बैच कश्मीर से जम्मू नहीं आता है तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। सर आपका नाम जानना चाहूंगा। सुनील कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट नंदनाग से हूँ,
और हम 39 डेज हमें यहाँ हो चुके हैं। हम तो यही गवर्नर साहब से यही बोलना चाहते हैं कि हमें कम से कम हमारी अपनी फैमिलीज भी हैं, हमें अपने फैमिली से हम रुकने का मौका भी दिया जाए ताकि वो भी सफर करें, हमारे बच्चे सब सफर कर रहे हैं वहां से। हम 39 डेज यहाँ पर हो चुके हैं हमें आज, फिर भी हम यही बोलते हैं कि हमें अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले आओ ताकि हम अच्छे से अपनी जॉब को कर सकें। महिलाओं के पास चलता है मैम, पहले दिन से लेकिन अब तक जिस तरह 42 डेज हो चुके हैं, कितना मुश्किल है एक महिला के लिए घर से बाहर रहना, अपने बच्चों को छोड़कर रहना, और कई बार आप अपने बच्चों को लेके आती हैं फिर भी बहुत चुनौती पूर्व काम है, तो किस तरह से कर रहे हैं? हाँ जी मैम, जैसे कि आप देख ही रहे हैं गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कभी तेज बारिश होती है, लेकिन हमारी सवाल हाँ बारिश में भी आप यहीं दिखते हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम, हम यहीं पे होते हैं क्योंकि अब हमने ये निश्चय कर लिया है कि जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता, पिछले आपने देखा ही होगा हमें LG साहब ने एक आश्वासन दिया था कि आपकी पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो रिटर्न फॉर्म में नहीं आती तब तक हम यहाँ से कि यो हमें एक अनाउंसमेंट रिटर्न फॉर्म में वो नहीं देते हैं पेपर में, जहाँ यही हुआ ना कि पूरा आपको भी ट्रस्ट नहीं है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, हमें LG साहब पे ट्रस्ट है, लेकिन हर एक का एक प्रोसीजर होता है, जब वो हमें एक आश्वासन रिटर्न फॉर्म में दे देंगे तो फिर हम यहाँ से फिर भी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी जो हमारा जो ये चल रहा है इसको हम थोड़ा कम करेंगे, और जब तक हमारा फर्स्ट बैच जहां ज्वाइनिंग नहीं डालता तब तक हम यहां से मैम आपके पास भी आ जाते हैं। कितना मुश्किल है जी मैम, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, हमारा तो चलो जो मुश्किल था वो है ही है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, और हमारे बच्चे जो कुछ बड़े बच्चे हैं वो हमने घर में रखे हुए हैं, और छोटे बच्चे जो हैं घर में नहीं रह सकते, वो हमारी फीमेल्स के साथ में हैं, तो वो बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए आज उनके हाथों में शहीदों के बैनर हैं, और वो हमारे साथ नारे लगा रहे हैं। तो ये जो देश का भविष्य है, ये जो कहते हैं कि बच्चे हैं देश का भविष्य है, तो आप खुद सकते हो कि देश का भविष्य आज रास्ते पे बैठा हुआ है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये 5 महीने का बच्चा जो है वो उसे घर छोड़कर आए, तो इनकी व्यथा भी जानते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, जब यहाँ तक पहुंचे तो इनकी फीलिंग्स भी जान। मैम पहले अपना नाम बता दें। रिंकू मैम, कितना मुश्किल है कि 5 महीने के बच्चे घर छोड़ के? हाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है मैम। रोज लेके आती है आज ही घर छोड़ के? नहीं मैं रोज छोड़ती हूँ घर में, फादर इन लॉ मदर इन लॉ के पास। हाँ जी, तो आज आपको 42 डेज इस तरह से हो चुके हैं, तो क्या कहते हैं? और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ इतने बुजुर्ग हैं, 75-80 के बाब हैं, वो इस टाइम बच्चे के रखने के लायक हैं वो? क्या आप सरकार को क्या मैसेज ना? तो हम ट्रांसफर हम पॉलिसी हमारी बननी चाहिए जल्दी से जल्दी। हाँ, और आज हम 1.5 महीने से ऊपर जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारा आर्डर होना चाहिए, और हमारी जगह कोई और होता मेरी कैटेगरी के नहीं होते तो अब तक आर्डर आ चुका होना था। हम कैटेगरी के बेस है तभी नहीं आर्डर आ रहा होगा, क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारा काम होना चाहिए। हम इतना सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे इतना सफर कर रहे हैं, कुछ टीचर हमारे बोर्ड क्लासेस में पेपर का टाइम है उनका, तो हमारे बच्चे कितना सफर कर रहे होंगे, हमारे तो गए तो बच्चे भी हमारे गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी मैम, बस यही है, गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे LG साहब ने हमें आश्वासन दिया हुआ है, इंश्योरेंस दी है कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी से जल्दी बनेगी, तो अब हम जो इंश्योरेंस उन्होंने हमें वर्बली कहा है वो हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न फॉर्म में मिल जाए, तो हमारा फर्स्ट बैच जो है वो यहाँ ट्रांसफर किया जाए, तो हमें भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं गवर्नमेंट हमारी तरफ जो है वो पूरी कंसिडरेशन है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि महिलाएं भी हैं, चुनौतीपूर्ण है ये कार्य रोज जो है गर्मी में यहाँ पर बैठना, लेकिन फिर भी जो है इनको एश्योर वर्बली किया गया, ये चाहते हैं हमें रिटर्न फॉर्म में दे ताकि जो हमारा फर्स्ट बैच है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग डाले, तभी हम जो है वो यहाँ से उठेंगे। और वाकई में बात करते हैं, बहुत गर्मी है लेकिन उसमें भी हौसला इतना रख के यहाँ पर बैठे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आजकल सब जो है वो एक बराबर है, और इनके बच्चे भी जो इनके साथ हैं तो उनका फ्यूचर भी जो है वो खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुलाटन न्यूज़। आशिया खान से अल्लाह हाफिज़।